बहनों और भाइयों, हमारे YouTube चैनल ग्लोबल कॉइन्स करेंसीज और स्टैम्प में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। पार्ट टू स्विट्जरलैंड एंड इट्स कॉइन्स करेंसी और स्टैम्प पर है। मित्रों, क्या आपको पता है यूनाइटेड नेशन दुनिया का सबसे बड़ा इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके समय 193 कंट्रीज परमानेंट मेंबर हैं। शायद आपको मालूम होगा कि वेटिकन सिटी और पैलेस्टाइन भी यूनाइटेड नेशन के नॉन मेंबर स्टेट हैं। मित्रों, यूनाइटेड नेशन द्वारा मान्यता प्राप्त 180 कंट्री की करेंसी इस समय दुनिया में प्रचलन में है। मित्रों, स्विट्जरलैंड सेंट्रल यूरोप का छोटा सा पहाड़ी देश है। यह देश एक लैंडलॉक कंट्री है, उसके बॉर्डर फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली को टच करते हैं। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि स्विट्जरलैंड एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहां पर जर्मन, फ्रेंच, इटालियन लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। क्या आपको पता है कि स्विट्जरलैंड का कुल एरिया इंडिया के हरियाणा स्टेट के एरिया से भी कम है। इस देश की टोटल पॉपुलेशन इंडिया के उत्तराखंड स्टेट की पॉपुलेशन से भी कम है। स्विट्जरलैंड की लगभग 24% पॉपुलेशन विदेशी ओरिजिन की है। मित्रों, क्या आप जानते हैं स्विस नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर बासल शहर में है। स्विस बैंक दुनिया की सबसे विश्वसनीय बैंकों में से एक है। इस समय इस बैंक में लगभग 25% अकाउंट विदेशियों के हैं। शायद आपको पता हो स्विस नेशनल मिंट बर्न शहर में है। क्या आपको पता है कि स्विट्जरलैंड की करेंसी स्विस फ्रैंक है। मित्रों, स्विस फ्रैंक वर्ल्ड की 8वीं सबसे महंगी करेंसी है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज होने वाली करेंसी की लिस्ट में स्विस फ्रैंक 7वें स्थान पे है। इस समय एक स्विस फ्रैंक की कीमत भारत के 80 रुपीस के बराबर है। अब आगे मैं आपको स्विट्जरलैंड के कॉइन्स के बारे में जानकारी दूंगा। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में 1 रुपीस में 100 पैसे होते हैं, उसी तरीके से स्विट्जरलैंड के 1 स्विस फ्रैंक में 100 सेंटीम होते हैं। मित्रों, इस समय स्विट्जरलैंड के 7 तरह के कॉइन्स प्रचलन में हैं, जिसमें 5 सेंटीम, 10 सेंटीम, 50 सेंटीम, हाफ फ्रैंक जिसे 50 सेंटीम भी कहते हैं, 1 फ्रैंक, 2 फ्रैंक, 5 फ्रैंक के कॉइन शामिल हैं। इन सभी 7 कॉइन्स को यहां पर प्रदर्शित किया गया है। अब आगे मैं आपको स्विस कॉइन्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूं। आप देख सकते हैं 5 सेंटीम और 5 फ्रैंक के कॉइन में डिजिट 5 डिफरेंट फॉन्ट में लिखे हुए हैं। मित्रों, 5 सेंटीम के कॉइन में डिजिट 5 का फॉन्ट न्यू हेल्वेटिका है, जबकि 5 फ्रैंक के कॉइन में डिजिट 5 का फॉन्ट कर्सिव है। मित्रों, स्विट्जरलैंड के 5 सेंटीम का कॉइन का अलॉय कंपोजिशन 92% कॉपर, 6% एल्युमिनियम और 2% निकल है। बाकी सभी 6 स्विस कॉइन्स 75% कॉपर और 25 निकल के अलॉय से बने हुए हैं। मित्रों, क्या आपको पता है 5 फ्रैंक का कॉइन ईयर 1931 से 1967 और फिर ईयर 1969 में मिंट हुए हैं। ये सभी कॉइन्स 83.54% सिल्वर और 16.5% कॉपर के अलॉय से बने हुए हैं। मित्रों, ईयर 1931 से 1969 के बीच में केवल 1968 ही एक ऐसा एक्सेप्शन ईयर है जिसमें कॉइन सिल्वर के नहीं बने हुए हैं। जरा गौर से देखिए, मेरे द्वारा दर्शाया गया ईयर 1968 का कॉइन वही एक्सेप्शन कॉइन है। मित्रों, स्विट्जरलैंड के 10 सेंटीम, 20 सेंटीम और 50 सेंटीम कॉइन में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि 50 सेंटीम के कॉइन का वेट और डायमीटर 10 और 20 सेंटीम के कॉइन से भी कम है। मित्रों, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन के द्वारा हमने 50 सेंटीम के कॉइन का वेट 2.2 ग्राम, 10 सेंटीम के कॉइन का वेट 3 ग्राम और 20 सेंटीम के कॉइन का वेट 4 ग्राम मेजर किया है। मित्रों, आप देख सकते हैं यहां पर डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स की मदद से हमने 50 सेंटीम, 10 सेंटीम और 20 सेंटीम के कॉइन का डायमीटर क्रमशः 18.1 मिलीमीटर, 19.1 मिलीमीटर और 21 मिलीमीटर मेजर करते हुए दर्शाया है। मित्रों, क्या आप जानते हैं 5 सेंटीम, 10 सेंटीम और 20 सेंटीम के कॉइन की ओवर साइड पर हेड ऑफ लिबर्टी बना हुआ है, जिसके चारों तरफ कॉन्फिडरेशन हेल्वेटिका अंकित है। नीचे की तरफ कॉइन का ईयर और मिंट लिखा हुआ है। मित्रों, 5 सेंटीम की कॉइन की रिवर्स साइड पर अंगूर की माला को प्रदर्शित किया गया है। 10 सेंटीम की कॉइन की रिवर्स साइड पर ओक के पत्तों की माला बनी हुई है तथा 20 सेंटीम के कॉइन की रिवर्स साइड पर ओक के पत्तों की और जेंटियन की माला को प्रदर्शित किया गया है। मित्रों, आप देख सकते हैं कि 50 सेंटीम, 1 फ्रैंक और 2 फ्रैंक की कॉइन की ओवर साइड पर स्टैंडिंग फिगर ऑफ नेशनल पर्सोनिफिकेशन को दर्शाया गया है, जिसके चारों तरफ सर्किल में 23 स्टार बने हुए हैं तथा नीचे की तरफ हेल्वेटिया लिखा हुआ है। इन तीनों कॉइन्स की रिवर्स साइड पर ओक के पत्ते और जेंटियन की माला को प्रदर्शित किया गया है। इसके बीच में कॉइन का डिनोमिनेशन और ईयर ऑफ मिंट लिखा है। मित्रों, आप देख सकते हैं स्विट्जरलैंड के 5 फ्रैंक के कॉइन की ओवर साइड पर एक अल्पाइन चरवाहे का चित्र है। इस चित्र के ऊपर की साइड पर कॉन्फिडरेशन हेल्वेटिका लिखा हुआ है। कॉइन की रिवर्स साइड पर फेडरल कोर्ट ऑफ आर्म का चित्र है, जिसके दोनों तरफ एडवल वाइस और जेंटियन के पत्तों की माला को दर्शाया गया है। इस कॉइन की रिवर्स साइड पर 5 फ्रैंक लिखा है तथा नीचे की तरफ कॉइन का ईयर ऑफ मिंट अंकित है। मित्रों,
कॉइन की प्राइस उनकी कंडीशन पर निर्भर करती है। अगर आप किसी कॉइन कलेक्टर से स्विट्जरलैंड के 7 कॉइन के सेट को यूएनसी यानी अनसर्कुलेटेड कंडीशन में परचेज करते हैं तो उसके लिए आपको लगभग 3,000 रुपी पे करने पड़ सकते हैं। मित्रों, अब आगे मैं आपको स्विट्जरलैंड के करेंसी नोट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्या आप जानते हैं कि स्विट्जरलैंड में स्विस नेशनल बैंक द्वारा करेंसी नोट्स को इशू किया जाता है? मित्रों, इस समय स्विट्जरलैंड में 10, 20, 50, 100, 200 और 1000 स्विस फ्रैंक के करेंसी नोट सर्कुलेशन में है। इन सभी करेंसी नोट को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। मित्रों, मैंने यहाँ पर 10 स्विस फ्रैंक के दो अलग अलग इशू के करेंसी नोट को दर्शाया है। पहला 10 स्विस फ्रैंक का करेंसी नोट इर सीरीज का है, जो कि ईयर 1995 में जारी हुआ है। इस नोट की ओवर साइड पर स्विस बॉर्न फ्रेंच आर्किटेक्ट ले कुबर्सियन का चित्र है। दूसरा 10 स्विस फ्रैंक का नोट 9 सीरीज का है, जो कि ईयर 2017 में जारी किया गया है। इस करेंसी नोट की थीम स्विट्जरलैंड ओपन टू द वर्ल्ड है, जिसे नोट की ओवर साइड पर प्रदर्शित किया गया है। इन दोनों 10 स्विस फ्रैंक के करेंसी नोट की रिवर्स साइड पर स्विस नेशनल बैंक अंकित है, तथा नोट में 10 डिजिट का सीरियल नंबर को भी दर्शाया गया है। मेरे द्वारा दिखाए गए दोनों करेंसी नोट की कंडीशन एक्स्ट्रा फाइन है, इसलिए इनकी प्राइस लगभग इस समय 2400 रुपीज के आसपास होनी चाहिए। मित्रों, इस स्लाइड के अगले भाग में मैं आपको स्विट्जरलैंड के बहुत पुराने पॉपुलर और खूबसूरत स्टैंप की जानकारी दूंगा। मित्रों, पहले स्टैंप की थीम माउंटेन रेलवे तथा दूसरे स्टैंप की थीम वाटर रिजर्वायर है, जो कि क्रमशः 10 और 20 सेंटीम के हैं। ये दोनों स्टैंप ईयर 1949 में जारी किए गए थे। आगे देखिए 80 सेंटीम के 1960 के स्टैंप को, जिसमें कैथेड्रल सेंट गैलन चर्च को प्रदर्शित किया गया है। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि ईयर 1960 में स्विस पोस्ट ने मैसेंजर थीम पे एक सीरीज ऑफ पोस्टल स्टैंप इशू किए थे। मित्रों, 5 सेंटीम, 10 सेंटीम, 20 सेंटीम के स्टैंप की थीम क्रमशः मैसेंजर फ्राइबर्ग, मैसेंजर स्वाज और पोस्टिलियन ऑन द हॉर्सबैक है। अगले स्टैंप में सामदिन टाउन के एक प्लांटा हाउस को दर्शाया गया है। यह 20 सेंटीम का स्टैंप ईयर 1968 में प्रिंट हुआ है। मित्रों, अंतिम दो स्टैंप ईयर 1973 में इशू हुए हैं। इनमें 10 सेंटीम और 20 सेंटीम के स्टैंप में क्रमशः गुरुबंदे विलेज और सिमी वैली विलेज को प्रदर्शित किया गया है। आप आगे देख सकते हैं एक बहुत ही खूबसूरत स्टैंप है, जिसकी थीम यूनिसेफ पर है। इस 40 सेंटीम के स्टैंप में चाइल्ड एंड डब को दर्शाया गया है। आगे देखिए 50 सेंटीम के ईयर 1989 के रीका के स्टैंप को, जो कि एक स्विस टूरिस्ट कंपनी से संबंधित है। मित्रों, अगला स्टैंप 40 सेंटीम का है, जिसकी थीम 50 इयर्स ऑफ स्कूट जैन पोस्ट लुर्जन है। आगे देखिए 3 फ्रैंक के स्टैंप को, जिसमें मठायउस को प्रदर्शित किया गया है। यह स्टैंप ईयर 1961 में इशू आया है। मित्रों, अगला स्टैंप 200 ईयर ऑफ जहर टूरिज्म पर है। आगे देखिए 85 ईयर पुराने स्टैंप को, जिसकी थीम नेशनल स्विस एग्जीबिशन है। यह 10 सेंटीम का स्टैंप ईयर 1937 में प्रिंट हुआ है। अंतिम स्टैंप 800 ईयर ऑफ जहार स्टेट लुर्जन बिल्डिंग की थीम पर है। मित्रों, प्रो पेट्रिया स्विट्जरलैंड की एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जो सोशल और कल्चरल कार्यों के लिए फंड्स को पोस्टल स्टैंप के द्वारा रेज करती है। इस पोस्टल स्टैंप में प्लस साइन के बाद वाली धनराशि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दी जाती है। मित्रों, पहले प्रो पेट्रिया के ईयर 1981 के स्टैंप में फ्राइबर्ग पोस्ट को प्रदर्शित किया गया है। यह स्टैंप 40 प्लस 20 सेंटीम का है, जिसमें 20 सेंटीम की धनराशि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दी जाती है। अगले स्टैंप में वायलेट हेड पेंटर कूनो एमिट को दर्शाया गया है। यह स्टैंप ईयर 1986 में जारी हुआ है। मित्रों, प्रो पेट्रिया के आखिरी स्टैंप में मॉडर्न आर्ट को दर्शाया गया है। क्या आपको पता है कि यूरोपा थीम वाले स्टैंप यूरोप के कल्चर और हिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं? मित्रों, यूरोपा थीम वाले 3 मोस्ट पॉपुलर स्टैंप को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। पहले स्टैंप की थीम पेंटिंग ऑफ द मच माउंटेन है। ये 30 सेंटीम का स्टैंप ईयर 1975 में प्रिंट हुआ है। मित्रों, आगे देखिए ईयर 1982 के इशू रुथली यूथ के स्टैंप को, जो 40 सेंटीम का है। मित्रों, यूरोपा सीरीज के अंतिम स्टैंप में पॉलिटिशियन जोहान कोरोनाट क्रेन को दर्शाया गया है। ये 40 सेंटीम का स्टैंप ईयर 1980 में जारी किया गया है। मित्रों, क्या आप जानते हैं दुनिया में स्विट्जरलैंड, वेटिकन सिटी और नेपाली ऐसे 3 देश हैं जहां के नेशनल फ्लैग्स रेक्टेंगुलर शेप के नहीं है। यहां पर दुनिया के कुछ नेशनल फ्लैग्स को दर्शाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्विट्जरलैंड का नेशनल फ्लैग के अंदर रेड बेस पर व्हाइट क्रॉस बना हुआ है, जो क्रिश्चियनिटी के बिलीफ को प्रदर्शित करता है। मित्रों, क्या आपको पता है कि स्विट्जरलैंड का नेशनल बर्ड तुराको, नेशनल एनिमल काउ और नेशनल गेम स्विंजन है? मित्रों, स्विस रेसलिंग को स्विंजन कहते हैं। मित्रों, क्या आप जानते हैं ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ वहां की कॉमर्शियल कैपिटल भी है। ये शहर चर्च, आर्ट गैलरी, लिमट रिवर, म्यूजियम, स्नो केव्स, लेक्स, थिएटर और नाइट क्लब्स के लिए बहुत फेमस है। मित्रों,
क्या आपको पता है स्विट्जरलैंड का दूसरा बड़ा शहर कौन सा है? आपने सही कहा, आपने इस देश का दूसरा मुख्य शहर जेनेवा है, वहां पर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी है। मित्रों, जेनेवा में घूमने लायक जगह जेनेवा लेक और ओपरा हाउस है। क्या आपको पता है कि स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न है, जो यहाँ का पांचवा बड़ा शहर है? स्विस पार्लियामेंट बर्न शहर में है, जिसे यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। मित्रों, आगे देखिए, स्विट्जरलैंड की वॉचेस, चॉकलेट्स, चीज को जो दुनिया भर में बहुत पॉपुलर है। मित्रों, स्विट्जरलैंड की 60% लैंड आल्प्स माउंटेन से ढकी हुई है। अगर आप धरती पर स्वर्ग देखना चाहते हैं तो एक बार अवश्य स्विट्जरलैंड घूमने जाएं। आल्प्स माउंटेन पर आप रोपवे और माउंटेन रेलवे का भी आनंद ले सकते हैं। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि स्विट्जरलैंड में सबसे ज्यादा बॉलीवुड की फिल्म की शूटिंग फिल्म डायरेक्टर यशराज चोपड़ा ने की है। यश जी की इन फिल्म में चांदनी और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी सुपर हिट फिल्में शामिल हैं। मित्रों, ईयर 2016 में यशराज चोपड़ा साहब को सम्मानित करने के लिए स्विस गवर्नमेंट ने एक 250 किलोग्राम ब्रॉन्ज के स्टैचू को इंटरलोकन टाउन में स्थापित किया है। मित्रों, क्या आपको पता है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान साइंटिस्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 26 मई 2005 को स्विट्जरलैंड का दौरा किया था? इसके बाद से हर वर्ष 26 मई को स्विट्जरलैंड में साइंस डे के रूप में मनाया जाता है। मित्रों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।